बहन शिल्पा भी आ गई है योग करने के लिए, योग की ड्रेस में ही आई है। तो एक बार बहन शिल्पा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इधर आओ बहन, अभी तो हमारी यही वाली योग की ड्रेस है। तो एक बार जोरदार ताली बहन शिल्पा के लिए, खुद योग करती है ना ये। नमस्ते, बहुत अच्छा। तो आप मेरे साथ योग करेंगे? अरे बाप रे। आपके साथ योग करना आसान नहीं है। ना ना, करेंगी करेंगी। हाँ, आप सरल सरल ही करवाएंगे, जो आप कर लेते हो। वैसे तो आप तो कठिन भी कर लेती है। अच्छा। हाँ चलो। तो चलो अब देखो, तुम अपने मस्ती से करते रहो जैसे हम करते हैं। अब काफी वार्म अप हुए हैं वैसे ये, तो आपको भी वार्म अप कर देते हैं। चलो वार्म अप कर लो पहले। हाँ, पहले वार्म अप। तो आप बोल रहे बाबा जी कहीं आप कठिन वाला पहले ना करा दो। हाँ। ये तो दस अभ्यास कर लिए ना आपने, ये पहला, और फिर ये दूसरा। ऐसे पूरा हाथ खोल के हो शिल्पा, ये अब ऐसे ऐसे, और फिर तीसरा ऐसे, ये। हाँ तो ये, और अब स्ट्रेचिंग करेंगे। हो गया वार्म अप, हो गया। तो पतला करने वाला योग तो मैं बताता ही हूँ। अभी और पतली हो जाऊंगी तो मैं डिसअपीयर हो जाऊंगी। ना ना, आप और पतले नहीं होंगे। आप ये वाला करो, देखो सब, ये पतला होने के लिए जरूरी है। तीन अभ्यास, एक तो पहले तो थोड़ा वार्म अप करना, फिर ये साइड में ऐसे एक हाथ ऐसे लिया और दूसरा ऐसे साइड में, ये कोणासन हो गया। ये सब क्या करो, ऐसे और फिर ऐसे साइड से ऐसे, क्यों कर रहे हो, यहाँ योग कर रहे हो, आराम से कर लो बेटा। सुनो, अरे ए, प्यार से कर लो बेटा, ये रहो, इनको यही छोड़ दो ना, तुम उधर जाओ ना, तुम क्यों करते हो। अरे विकास, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम लोग क्या करते हो, सुबह सुबह थोड़ा योग कर लिया करो, दिमाग ऐसे। ये कितनी बार करना है पतला होने के लिए, मैंने बताया था 50 बार। 50 बार 50 बार तो आज शिल्पा बहन जी के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो पहले 5-10 बार से शुरू करके, और एक तो ये, फिर क्रॉस करके आगे, अभी तीसरा आएगा। हाँ शिल्पा बहन, ये हाँ, फिर ये ऐसे, ये अमरोध कराते हैं, ये त्रिकोण आते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ, हमारे ऐसे तो मुंबई के बहुत भाई बहन करते हैं, लेकिन उसमें हमारी शिल्पा बहन विशेष रूप से करती है, तो सबको प्रेरणा भी मिलती है उससे। प्रेरणा मुझे आपसे मिली है। तो ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व भर में योगा को इतना पॉपुलर किया उन्होंने, कि मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने योग करना शुरू कर दिया। चलो अभी अभी वो तो हाँ, अब तो पैर पास में, बाद में श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, और श्वास बाहर छोड़ के आगे, जितना हो सके अधिकतम झुक लो, और हाथ फिर ऊपर ले जाना, फिर आगे, फिर ऐसे, ऐसे।
इससे आगे पीछे की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये बताया था ना आपको मोटापा कम करने के लिए, उसमें से पहले थोड़ा वार्म अप करना, फिर साइड में झुकना, क्रॉस करके झुकना, आगे पीछे झुकना, तो पूरी बॉडी, खाली मोटापा के लिए नहीं, पूरे शरीर के व्यायाम के लिए। फिर ये तो सबने बचपन में किया ही है, ऐसे ये वाला हा? ये तो सब करते ही है। तो चलो थोड़ा फास्ट कर लो ऐसे। ये ऐसे लंबे लंबे श्वास भर के तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। ऐसे 10-20 बार कर लिया तो इससे पूरी ऊर्जा आ जाती है। ज्यादा ऊर्जा लानी हो तो 100 बार कर लेना। और इसमें ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का मंथन हो जाता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। ऐसे 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 ये आप तो डांस कर रहे हैं। अब ये नया काम शुरू कर दिया। ये हमको नहीं आता। आप तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये तो एक चरण था व्यायाम का, 12 अभ्यास हो गए ना इसके, योगिक योगी के। फिर दूसरा सूर्य नमस्कार, ये बहुत अच्छा है। उससे पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करा देते हैं, दोनों पैर पास में। और ये सब कर लिया करो थोड़ा सा ना, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर दान, ताड़ासन। तो ऐसे 5-7 बार ऐसे कर लेने से ना, श्वास अंदर भर के और पूरे शरीर को ऊपर तान देते हैं, तो इससे पैरों की, हाथों की, पेट की, पीठ की, पूरी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। पूरा ताना करो ऊपर की ओर। और फिर अगला साइड में झुकते हैं तो ये तिर्यक ताड़ासन हो जाता है, हाथ ऐसे और श्वास अंदर भर के ऐसे झुक गए। फिर ऐसे झुक गए, और ऐसे। तो ये आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से बॉडी की स्ट्रेचिंग करने से ना अच्छा रहता है। फिर मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए गरुड़ासन तो सब नहीं कर पाते, तो ये वृक्षासन सब कर लेते हैं। एक पैर दूसरे पैर से ऐसे लगा दिया और दोनों हाथों को ऐसे उठा दिया। एकाग्रता बना के रखना। और फिर दूसरी तरफ से, हाँ इसको निकाल दिया। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब भी, और ये रोज करते इसीलिए कर पा रहे, नहीं तो इसमें हिल सिंहासन हिल जाता। तो अब सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है, सब करोगे ना। अब जिससे जितना बन पाए, कुछ 100% परफेक्ट करेंगे, कुछ 90, कुछ 80%, जिससे जितना बन पाए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, अब ये कैमरे छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छी बात है, ये फोटो भी इसलिए खींच रहे हैं कि दूसरों को भी और प्रेरणा मिले। ये देखो योग का ग्लैमर, ये आपके लिए, समाज के लिए, इस संसार के लिए बड़ा शुभ है। तो हम चाहते हैं चारों तरफ से, जैसे हमारी बहन शिल्पा जी योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग लगेंगे तो योग के प्रति सबका आकर्षण होगा। ऐसे करना है।
तो योग का आकर्षण होगा। दोनों पैर पास में और सांस अंदर भर के हाथ पीछे से, और अब सांस छोड़ के आगे झुक गए। आगे झुक के कोशिश करते हैं जितना अधिकतम हो सके माथा घुटनों के पास आ, फिर दाहिने पैर पर बैठते हैं। एक बार दाहिने से एक बार बाएं से ऐसे बैठे, ऊपर की ओर देखा, अधिकतम कमर को नीचे की ओर झुकाया, और फिर दाहिना पैर भी नीचे, और फिर झुक गए आगे, और फिर उठ गए सामने से। ये तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर बीच से उठ गए, फिर एक दूसरा पैर आगे। एक एक पैर से बारी बारी से कर लेते हैं ना ऐसे, तो दोनों पैरों का, फिर आगे दोनों पैर, दोनों दोनों पैर, हाँ। फिर दोनों हाथ पीछे और ऐसे। इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं भिन्नता हो जाती है तो, लेकिन ये 12 अभ्यास हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। बच्चों को भी करवाइए, आज शाम को बच्चों को भी कराएंगे, जो विद्यार्थी युवा शिविर है। कल करीब 40-50 हजार बहने थी बहनों शाम को, और फिर ये सुबह तो सब भाई बहन सब एक साथ आते हैं। खैर, सूर्य नमस्कार सबको कितनी बार करना है, 10 से 20 बार, 12 बार, जितना बन पाए। कुछ तो 25-50 बार सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं, उससे पूरी बॉडी एकदम फिट रहती है, और फिर जो है बैठ जाओ। मैं अपना वाला दिखाऊं? आप अपने वाला दिखा। मेरा वाला अब सूर्य नमस्कार। हाँ हाँ करो करो। अच्छा किया आपने। तो इसमें एक बात आपकी जानकारी के बता देता हूं कि योग में ऐसे तो योग की परंपराएं एक ही हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत क्रिया भेद कर देते हैं। जैसे कुछ थोड़े आसनों के पोश्चर में भी, जैसे भुजंगासन 4 तरह से किया जाता है, जैसे सर्वासन 4 तरह से किया जाता है, मरकटासन 3-4 तरह से किया जाता है, ऐसे थोड़ा बहुत क्रिया भेद हो जाता है, और वो अलग अलग तरह की परंपराएं थोड़ी बहुत समाज में चल रही हैं। खैर, ऐसे सूर्य नमस्कार, फिर आसनों की परंपरा, जैसे वज्रासन है, इसको सब एक ही तरह से करते हैं, दोनों घुटने मिले हुए, हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, खाने के बाद ऐसे बैठना। ऐसे बैठने से ही घुटने स्वस्थ रहते हैं, ये नाड़ियां दब जाती है पिंडली की, वज्र नाम की नाड़ी दबी, वज्र की तरह शरीर स्वस्थ हो गया, तो वज्रासन इसका नाम हो गया। खाने के बाद इसको कर सकते। देखो जितने भी कठिन आसन है, अब शीर्षासन है, सर्वांगासन है, ये खाने के बाद नहीं किए जाते। कपाल भाती है, ये खाने के बाद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वज्रासन खाने के बाद कर सकते। जिनको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, वो खाने के आधे घंटे बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पेट पर जोर नहीं पड़ रहा। और अब जो आपको 12 आसन सबको कराते हैं ना, बहुत इजी है वो 12 आसन, तो सब कर सकते हैं। देखो आसनों में कितने आसन है, तो कोई कहते 84 करोड़, कोई कहते 84 लाख, कोई कहते 84 हजार, और शास्त्र में परंपरा आसनानि चतावन्ति यावन्ति जीव जाते, बोलो उतने आसन है जितने संसार में जीव जंतु हैं, इतने। तो उसमें हमने ये देखा कि एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है। जैसे बच्चों के लिए हम 5 आसन करवाते हैं, शीर्षासन करवाते हैं बच्चों के लिए। अब शीर्षासन उसमें ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों को तो करवा सकते ना। बच्चे शुरू में दीवार के साथ करेंगे,
थोड़े पढ़ेंगे गिरेंगे, बच्चों को पढ़ने पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बच्चे शीर्षासन कर सकते हैं। आप तो नहीं करते हो ना? मैं शीर्षासन करती हूँ। क्या बात है, शिल्पा जी के लिए भी तालियां हो जाए तो ये भी शीर्षासन करती हूँ। बेटियों को भी करना चाहिए, बस खाली जो पीरियड के 5 दिन होते हैं उस दौरान उसका निषेध है, बाकी माँ बहन बेटियां सब कर सकती हैं और हर उम्र में कर सकते हैं। मैंने तो एक सन्यासी थे, उनको 125 वर्ष की उम्र में स्वामी भीष्म जी, मैंने उनके बचपन में दर्शन किए और उनसे मुझे प्रेरणा मिली, वो 125 वर्ष की उम्र में भी शीर्षासन करते थे। उनको ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना शुगर, ना आर्थराइटिस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं 125 वर्ष की उम्र, स्वामी भीष्म जी। तो मैंने बचपन में उनके दर्शन किए। तो देखो दीवार के साथ, मैंने कहा ना बच्चों को शुरू में दीवार के साथ, फिर बिना दीवार के भी हो जाएगा ऐसे। बच्चों को करवाइए आप, है ना, काफी भाई कर रहे हैं देखो मैदान में। करते रहो, काफी भाई कर रहे हैं, एक बार इन सबके लिए अभिनंदन हो जाए। ऐसे अभ्यास बनाइए आप सब भी। हाँ ये मेरे सामने कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, तो दूर तक पूरे मैदान में 15-20 भाई कर रहे हैं। तो ये अभ्यास हो गया है सबका, और बड़ी उम्र में भी फिर कर रहे हैं। बच्चों को करवाइए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन बच्चों को जरूर करवाइए, ताड़ासन, गरुड़ासन। इससे बच्चों के अंदर एकाग्रता बढ़ती है, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है। पैर सामने खोल के आगे झुक करके आप ये करते हैं, माथा घुटनों से लगाने वाला, थोड़ा कठिन जरूर होता है लेकिन धीरे 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 एकाग्रता बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो कोशिश करने पर माथा धीरे धीरे घुटनों से लग ही जाता है। तो जितना बन पाए उतना कर लिया ये। और सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये जवानों के लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। अब सर्वांगासन करेंगे तो थोड़ा उसमें और ये बच्चों के लिए हो गया, बच्चों के लिए आज शाम को करवाएंगे ना, तो सबसे करवाएंगे। अब बड़ों के लिए क्या करना है, तो चलो बड़ों वाला करवाते हैं। बड़ों वाला आज आपका योग यही करवा दिया। ये 4 पोस्चर तो सब क्या करो बैठ करके, हाँ सब, ये 12 आसन वो हैं। मैंने, हमने कोई नया डिजाइन नहीं किया, हम कहते हैं योग तो सब ऋषियों का है, बाबा रामदेव का भी नहीं है, वो किसी गुरु का नहीं है, वो सब तो हमारे पुरखों से सीखा है ना, हमने पुरखों की विद्या है योग विद्या। ऐसा ही हम सबको मानना चाहिए कि योग ना मेरा है, ना शिल्पा का है, ना किसी और किसी साधु सन्यासी और योगी का है, योग किसका है, हमारे सबका है और ऋषियों का है, अपने पुरखों से हमने सीखा है ना, अंगूठा अंदर। तो शिल्पा बोल रही है लेकिन बाबा जी इंडिया का है, भारत का है, ये तो प्राउड हमको होना ही चाहिए, गौरव तो होना ही चाहिए ना अपने को। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। अब यही एक ऐसी बहन है हमारी जिसको हम कह सकते हैं कि ये कर सकती है, नहीं तो दूसरों को तो संकोच होगा योग करने में। फिर वापस आ जाते हैं। अब इसमें पूरा पेट अंदर दब जाता है, तो ये डायबिटीज और पेट के लिए बेस्ट है ना, पूरी मुट्ठी अंदर चली जाती है ना, तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे पूरे शरीर को अंदर से व्यायाम मिला। कीजिए फिर से एक बार, अब इसका दूसरा अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर। अब इसमें पहले वाले में थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ता है, पूरा मुट्ठियां पेट के अंदर चली जाती है,
अब इसमें ये भी पेट और डायबिटीज के लिए पेन किया। तो ये एक ऐसी के जैसे पूरे इंटरनल सिस्टम को एक्सरसाइज मिल गई। फिर शशक आसन, ये भी बहुत अच्छा है, इससे पेट पीठ बहुत अच्छे रहते हैं, आगे झुकने से दिमाग भी ठीक रहता है, इसलिए आगे झुका करो, धरती माता को प्रणाम किया करो, माता पिता को प्रणाम किया करो, सब पति अपने पत्नियों को प्रणाम किया करो और सब पत्नियां अपने पतियों को प्रणाम किया करें। एक दूसरे को प्रणाम करने से ना एक दूसरे को गौरव मिलता है, आदर मिलता है। हाथ ऊपर उठाते हैं और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। फिर हाथ ऊपर उठा लेते हैं और फिर एक बार कर लेंगे, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और ऐसे थोड़ी देर रुकेंगे। फिर हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। मंडूक आसन, शशक आसन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, और वक्रासन तो ये बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब जब भी कोई आसन करते हैं ना तो इसमें हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर की स्थिति ना एक सधी हुई अवस्था में होती है। जैसे पैर ऐसे सीधा किया तो पंजा आ गया, ऐसे तन गया, फिर हाथ ऐसे रख दिए, फिर अब वक्रासन किया तो एक हाथ ऐसे डाला और फिर घूम गए ऐसे। तुम एक ही तरफ रहो, घूमो मत, ऐसे घूम गए, कितना अच्छा होता है ना। शिल्पा बहन ने अपने शरीर को साधा हुआ है तो इसलिए अच्छे से कर पाते। आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अब एक और आसन बैठ के, फिर शिल्पा बहन जी को ज्यादा नहीं करवाएंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। अब तो फिर करना ही पड़ेगा। दाहिना पैर नीचे, बायां उसके ऊपर, गोमुखासन, ये भी बहुत अच्छा है, इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी होती, कंधों की, गर्दन की, पैरों के लिए, पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर ले लिया, बायां हाथ पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से ले लिया, दाएं पीछे से ले लिया और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। मुझे लगता है शिल्पा बहन को देख करके और भी जो कुछ बहनें नहीं भी कर रही थी तो और करने लग जाएंगे, कि हमें भी फिट रहना है, सबको फिटनेस चाहिए ना, अच्छे फिगर सही है। अब फिटनेस सही है, अच्छे फिगर सही है, दूसरी ओर से अब एक तरफ से ऐसे किया तो फिर दूसरी पैर से कर दिया। फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए, और खाली फिटनेस और फिगर्स ही के लिए नहीं, अच्छे जीवन के लिए। आपको मैंने बोला था योग से कैसा जीवन मिलता है, दिव्य जीवन, तो कितना अच्छा है ना ये। तो ये चार अभ्यास तो ऐसे बैठ करके, और जो है मकरासन और भुजंगासन, ये भी बहुत अच्छे हैं। बटरफ्लाई तो हमने करवा दिया था बहन जी, हाँ चलो आप कर लो, आपका भी करा देते, ये अच्छा रहता है, कर लो आप लोग भी, कर लो थोड़ा इसको, तो करने से ना इसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पूरा शरीर हल्का होना चाहिए। उम्र के साथ स्टिफनेस बढ़ती है ना शरीर में, तो ये स्टिफनेस दूर हो जाती है, फिर जब शरीर को थोड़ा हिलाते डुलाते हैं ना तो उससे अच्छा हो जाता है। और
फिर ये जो ये अभ्यास है ना, ये माताओं को मैं रोज कहता हूं, माताओं को कम से कम 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट ये कर लेना चाहिए। ये इससे क्या होगा, पेट पीठ कमर एकदम हल्की हो जाती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है दोनों तरफ से। तो इससे ये पेट वेट के लिए भी बताया था आपको कम करने के लिए, दो अभ्यास बैठ करके ये ऐसे, और फिर क्रॉस करके पैर छूने वाला, फिर भुजंगासन और सलभासन, फिर सीधे लेट के पैर उठाना, गोल घुमाना, अर्धचक्रिकासन। ये 12 अभ्यास मोटापा के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे करो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे, ये तो बहुत इजी है, सब आराम से कर लेते हैं, आज फुल योगा होगा। एक एक पैर से दोनों पर, कितनी इजी है ना, इसलिए हम 4 आसन बैठ करके, ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन लेट करके, इनकी माता जी वो हमारी भी बहुत भक्त है, करीब 13-14 साल पहले मिले थे हम लोग सबसे पहले लखनऊ में, तो इनकी माँ भी योग बहुत करती है, माता पिता, और माता पिता जब योग करते हैं तो बच्चों को भी योग के संस्कार मिलते हैं ना। तो चलो अब मकरासन और भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, और श्वास अंदर भर के सामने से ऐसे उठ जाते हैं। ये अब तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना हो सके अधिकतम पूरा ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे। तो एक तो ये, इसको 2-3 बार कर सकते हैं, दूसरा ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ और सामने से पूरा उठाते, धीरे 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 धीरे, पैर पीछे पास में और पूरा ऊपर उठा देते हैं, ऐसे कोहनियां पूरी सीधी हो जाती हैं। अब तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा था शिल्पा बहन ही बहुत अच्छा कर रही है, शिल्पा बहन तो रोज करती है इसलिए ठीक से कर पा रही है, आज तो इनको पता भी नहीं था कि बाबा जी के पास जाके इतना योग कर रहे हैं। फिर श्वास अंदर भर के, कितना अच्छा है ना, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, पूरी स्ट्रेचिंग, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, आचे एक्टर एक्ट्रेस हो, क्रिकेटर्स हो, मॉडलिंग करने वाले लोग हो, खिलाड़ी हो, सब कर रहे हैं इसको, इतना बढ़िया है। थक जाए तो ऐसे माथा ऐसे रखा, ऐसे आराम कर ली, तो ये आपको बताया भुजंगासन। फिर सलभासन में पैर पीछे से उठाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, एक एक पैर को तो सभी उठा सकते हैं, दोनों हाथ थाई के नीचे और एक एक पैर को पीछे से उठा दिया, ये घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पैर मोड़ना नहीं घुटने से, पैर मुड़ेगा नहीं घुटने से, सीधा रहेगा पैर, एक एक पैर को ऐसे उठा दिया, घुटना सीधा रखा, पंजा सीधा रखा। अब इसमें इतने आसन तो सब कर, धनुरासन आदि कठिन होता है उसको, इसलिए हम करवाते नहीं, और करती है आप कर लो, ये ऐसे कमर के लिए हम करवाते हैं, लेकिन जिनको हर्निया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपीआई है, उनको नहीं करना होता है ना, तो ऐसे। अच्छा अब तो सभी कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसे मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, और सीधे लेट के फिर मरकटासन, पवन मुक्तासन। तो चलो शिल्पा बहन जी ने सीधे वाले शुरू कर ही दिए, तो सीधे वाले भी करवा देते। तो पवन मुक्तासन तो बढ़िया किया आपने, बहुत आसान है, है ना। बैठ जाओ बाई करवट लेकर के, सीधे लेट करके मरकटासन, चलो आप करके दिखाओ, सीधे लेट जाओ, मेरी तरफ सिर करो, पीछे की तरफ पैर करो, अब हम आपका देखते हैं, इधर आगे आगे आ जाओ, अब आपसे नहीं करवाएंगे, आप तो कपाल भाती कर सकती हो बैठे बैठे, तो नहीं ऐसे कैसे भी, ये तो हम तो सिद्धासन में सबसे ज्यादा कराते हैं, सिद्धासन और सुखासन सब कर लेते हैं, सीधे लेटो ना, तो
जिनको लेटने में असुविधा है वो कपालभाति कर लो, बाकी सब सीधे लेट के मरकटासन करके दिखाओ। मैं देखो तो सही, आपने कुछ सीखा है कि नहीं? मरकटासन का पहला अभ्यास, सबसे पहले सीधे लेट जाइए, दोनों पैर मोड़िए और दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, मरकटासन का पहला अभ्यास। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, 100 में से 100 नंबर दे देते आपको भी। उत्साह के साथ किया करो, आपको ऐसा मन में नहीं रहना चाहिए मेरे से कैसा हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। और देखो मरकटासन का फिर दूसरा अभ्यास, एक पैर को उठाओ और सीधे कर दो पैर, एक पैर को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ अपोजिट साइड में। ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी भाई बहन, ये भी बहुत जरूरी है। ये मरकटासन कमर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। अपोजिट साइड में पैर को लेके गए, जिससे जितना बन पाए। अब क्या होता है, परफेक्शन तो अपने अपने शरीर के अनुसार आएगा ना, किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, किसी की बॉडी स्टिफ है, तो जिससे जितना बन पाए कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिट साइड में आप पैर को लेकर के जाएं। ऐसे पर मरकटासन कितना अच्छा हो गया। पवन मुक्तासन कर लीजिए, दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों से नहीं कर पाते हो, एक एक से भी कर सकते हैं, एक एक से या दोनों पैरों से, जब लेकिन एक पैर से करेंगे तो दूसरा पैर सीधा रहेगा ऐसे। ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, झूल लीजिए, थोड़ा आनंद ले लीजिए, मसाज हो जाएगी कमर की पूरी ऑटोमेटिक ऐसे। ये पवन मुक्तासन, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आप, बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और अंदर से ना शरीर के अंग प्रत्यंगों को हम स्टिमुलेट करते हैं। मैंने एक सिद्धांत कहा था आपको, जहां गति होगी वहां शरीर में गति से क्या पैदा होगी, बोलिए शक्ति। गति से शक्ति पैदा होती है और बिना गति के ही तो दुर्गति होती है आदमी की। खैर, तो पवन मुक्तासन भी अच्छा किया। चलिए अब तीन अभ्यास बच गए लास्ट, जो आपको रोज करने हैं। एक एक पैर को उठाइए, नीचे लेके आए, सीधे लेट जाइए सभी। अरे बैठो मत, बैठो मत, अभी तीन अभ्यास करने हैं सबको एक साथ। दाएं पैर उठाइए, एक उठाओ सब, दो नीचे, एक दो। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बस थोड़ा प्रेरित करना पड़ता है आपको। एक एक पैर को उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं और फिर एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाइए, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाइए। एक एक से इसलिए करवा देते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को बैक की, किसी को हर्निया कमजोरी, तो ऐसे। ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान जी भी बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चे, मेरी संतानें कितनी अच्छी हैं, सब योग करने लग गई हैं। जैसे भगवान ने आपको खूबसूरत पैदा किया था, ऐसे आप अपने आप खूबसूरती को, भगवान की दीवी गिफ्ट को आप बनाए के रखे हुए हैं, है ना ऐसे। फिर एक एक पैर से किया ना, जो स्वस्थ हो तो दोनों पैरों से कर सकते हैं। कुछ बहने तो बड़ी मजबूत है, दोनों पैरों से घुमा रही हैं, पूरा बिलो दे रही हैं, पेट को पूरा बिलो देते हैं, तो जैसे दही को बिलोने से मक्खन अलग हो जाता है ना, तो एक्सेस फैट आपका मेल्ट हो जाता है ना फिर। अब साइकिलिंग, साइकिलिंग बहुत अच्छा है, इसको साफ कीजिए। साइकिलिंग ये बहुत अच्छी चीज है ना, इसको तो सब कर सकते हैं साइकिलिंग को। साइकिलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ना शिल्पा बहन। हाँ कितना अच्छा लग रहा है शिल्पा बहन कर रही है। करो 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 बहन जी, बोल रही है शिल्पा कि समझ, नॉर्मली हाथ ऊपर होते भी पैर ऊपर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जरा करो ना एक बार। और जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों से कर सकते हैं, जिनको थोड़ा कमजोरी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक है, तो एक एक से ऐसे ऐसे। और फिर थोड़ा सा विश्राम करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे रोज। ये 12 आसन तो सबको करने हैं, छोड़ने नहीं है। फिर मोटापा के लिए आपको 12 अभ्यास बताए, मेरुदंड के लिए 12 अभ्यास बताए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए आपको 10 अभ्यास बताए, बच्चों के लिए 5 अभ्यास बताए। अलग अलग तरह के जो योग के पैकेज है आपको दिए, कि जिससे कि आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को संवारने के लिए, जीवन को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए आप डेली
कम से कम एक घंटे का योगाभ्यास तो जरूर करें। चलिए बाएं करोट लेते हुए बैठ जाइए, दोनों हाथों को रगड़ते हैं, आंखों पर रखते हैं और जो है करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। तो कपाल भाती कितनी देर करती हो शिल्पा जी? तो कपाल भाती भी करती है बहन जी, थोड़ा करके दिखाओ, उस समय तो सब लेटे हुए थे, आप भी करो, देखो आपकी तरह ये भी करती है रोज, सारी चीजें करती है, कपाल भाती भी करती है, भस्त्रिका भी करती है, अनुलोम विलोम भी करती है और बड़े परफेक्शन के साथ करती है। और तो ताली बजानी है तो जोर से बजा लो, फिर ऐसे धीमे धीमे क्यों बजा रहे। और अब जो है अनुलोम विलोम भी करती है, अनुलोम विलोम भी करो, चलो आज तो सारा करवा ही देते हैं, सबको करना चाहिए अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम बहुत इजी है ना, मैंने आपको जो है वायु मुद्रा में कहा ना, तो बहुत अच्छी है ये वाली। हाँ ये वायु मुद्रा ना, ये ज्यादातर लोगों को अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, ऐसे ओम या गायत्री के मन ही मन जप के साथ कर सकते हो। ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम ऐसे ओंकार या गायत्री के जप के साथ कर सकते हैं। चलिए आप भी कर लीजिए एक दो मिनट। बालों को भी काला रखने के लिए अपने बालों बाल ना गिरे तो नाखून रगड़ रही थी, तो ये भी बहुत लोग करने लगे। आज पार्क में किसी को भी देखो, कोई घूम रहा है सुबह तो दो चार मिनट ऐसे कर लेता है कि इससे बाल स्ट्रेंथन रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज तो आपको काफी योग करा दिया, आज शाम को 40-50 हजार बच्चों का योग होगा और फिर कल पूरे परिवार के साथ आएंगे, कल समापन होगा। तो एक बार जरा एक बार हंस के भी तो दिखाओ, हाथ से योग तो बच गया, ऐसे नहीं हाथ उठा करके पूरे आनंद से तो ये हास्यासन प्रसन्नता के साथ। और सिंहासन कैसे करते हैं? शेर बन के धाड़ो जरा मराठी शेरो। तो तो आज शिल्पा बहन ने भी हम सबके साथ बहुत अच्छा योग किया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां अभिनंदन। और ऐसे ही समाज में जिनको रोल मॉडल मानते हैं, एक डिफरेंट क्लास है,
यंगस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों में, सभी समूहों में सब लोग योग करते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा आकर्षण पैदा होता है लोगों के अंदर। तो मैं कुछ थोड़ी सी बात भी करो सबसे योग की, एक बार इनके बात करने के लिए और हौसला आ जाएगी। इधर सबके लिए एक बार जोरदार ताली फिर से बजा दो शिल्पा बहन के लिए। नमस्कार। चलो मुझे मौका मिल गया बाबा जी के पास बैठने का, ये अच्छा बहाना था। नहीं आओ, मैं इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आई थी कि मैं योग करूंगी आपके साथ, लेकिन ये बहुत ही सुनहरा मौका था तो मैं इसे गवाना नहीं चाहती थी। लेकिन बहुत अच्छा किया, बहुत बस नेचुरली हो गया। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोच समझ के नहीं कर सकते, तो ये चीज बहुत ही नेचुरली हो गई, बिल्कुल नेचुरल हो गया। तो मुझे योग करना बहुत पसंद है और बाबा जी ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने। स्ट्रेंजली जब वेस्टर्न कंट्रीज में योगा करते थे, ओह वी गोइंग टू डू योगा, तो तब जाके यू नो योगा को थोड़ी बहुत वैल्यू मिली। लेकिन एक पहले मात्र इंसान जो जिन्होंने इंडिया में योगा को वापस लेके आए वो बाबा जी थे, और इनको पूरा पूरा श्रेय देना चाहिए हमें। मैं हमेशा जानती थी कि योगा बहुत लाभदायक है, लेकिन उनको देख के जिस तरीके से वो करते थे, मेरी मम्मी पापा भी करते थे मैट लगा के, मैं देखती थी उन लोगों को, क्योंकि मैं जिम जाती थी, मुझे लगता था वेट्स लिफ्ट करने में ज्यादा बॉडी टोन होगा। लेकिन हम योगा को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम अगर वेट लिफ्ट कर भी लेते हैं तो मैक्सिमम कितना लिफ्ट कर लेंगे हम, 15 किलो। लेकिन जब आप योगा कर रहे हैं तो आप अपने पूरे बॉडी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। और जो आप जिम जाके वर्कआउट करते हो तो आपकी अंदरूनी वर्कआउट नहीं होती। जैसे बाबा जी हमेशा कहते हैं आपके इनर ऑर्गन्स जो पैनक्रियस है, लिवर है, स्प्लीन है, उसका ऑटोमेटिकली मसाज हो जाता है जब आप पेट पे लेट के योग करते हैं। हर योग के एक्शन का एक रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और सबसे ज्यादा लाभ मुझे योग से, जो मुझे पीस मिलता है योग करने के बाद, एक जो ओपननेस होता है माइंड बॉडी का, और ये जो मिलन होता है माइंड बॉडी का, वो सिर्फ योग ही दे सकता है आपको। तो और मैं जितना ज्यादा योग को करती हूँ उतना ज्यादा आई फॉल इन लव विथ इट, कि मैं उसे और डिस्कवर करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को और डिस्कवर करती जा रही हूँ योग करते हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं या ऐसे स्टेप्स करते हैं योग में, और फिर अगले दिन सुबह वो बॉडी पार्ट, एक ऐसा बॉडी पार्ट दर्द करने लगता है कि हम लोगों को फिर एहसास होता है कि अच्छा ये भी है, ये पुर्जा भी है मेरे बॉडी में। तो जो ऑर्डर में नहीं है। तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं योग के साथ, क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है। और उस डिसिप्लिन को बरकरार रखने का जो डिसिप्लिन है, दैट पुट्स योर बॉडी इनटू ऑर्डर, योर माइंड एंड योर सोल कम्स टुगेदर। और ये मैंने सीखा है, और थैंक यू बाबा जी के आपने हमें प्रोत्साहित किया। और मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आज आपसे मिल रही हूँ, मैं पहले से बहुत इम्प्रेस थी जो आप कर रहे हो और आप लोगों के लिए जो करते हो, इट्स रियली वंडरफुल। हाँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है, और इनकी जो ऊर्जा है बहुत इन्फेक्शियस है, तो मैं इनसे पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स लेने आती हूँ। एंड ऐसे ही बस योग करते रहिए, एंड आप ऐसे ही हम सभी को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू।
और जो है मैंने कहा माता पिता पूरी फैमिली, जैसे हमारी शिल्पा बहन की पूरी फैमिली योग करती है ना, ऐसे सब घरों में सब फैमिलियों में योग हो, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा हमारा विश्वास है। और इन्होंने इतना इतना इसमें योग में अपने आप को जोड़ दिया कि इन्होंने योग के ऊपर बुक और जो है सीडी भी कर डाली। मैंने एक डाइट बुक लिखी है। डाइट बुक, क्या बात है। और इट्स ऑन द ग्रेट इंडियन डाइट। तो द ग्रेट इंडियन डाइट, क्या बात है। जैसे योग भारतीय है, ऐसे भारतीय आहार भी हमारे लिए, भारतीय सात्विक आहार जो हमारे ऋषियों ने, तो फूड साइंस तो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने दिया। तो एक द ग्रेट इंडियन डाइट बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, एक बार जोरदार इसके लिए भी तालियां बहन के लिए, अभिनंदन। मैं ये बुक आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आपको मैंने सीडी दी थी अपनी योगा की, तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इसको भी आशीर्वाद दें। तो वैसे ये बेस्ट सेलर हो गई है, लेकिन ये ट्रिपल बेस्ट। चलो अब इसको शिल्पा को भी आशीर्वाद है और हमारी शिल्पा बहन की बुक को भी आशीर्वाद है, जोरदार ताली आप सबकी भी बहन शिल्पा के लिए। तो बहन जी बोल रही है आपने मेरी सीडी को भी आशीर्वाद दिया, मैंने तो आपको पूरी को ही आशीर्वाद दे रखा। और इनके माता पिता भी उतनी श्रद्धा रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जितने भी मुंबई में कुछ लोगों को लगता है ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, ये नई दुनिया के लोग हैं, इसमें करीब करीब आजकल तो 90% लोग योग करने लग गए। धर्मेंद्र जी ने मेरे को फोन किया, बोले बाबा जी मैं आधा आधा घंटा कपालभाति करूं तो दिक्कत नहीं ना। तो फिर मेरे सेवा बोली बाबा जी आधा आधा घंटा ही नहीं, एक एक घंटा भी कर देते, जब करने लगते तो फिर जो है ना होश ही नहीं रहता। मैं जीतू जी से बात कर रही थी, जितेंद्र जी, वो सुबह उठते हैं आई थिंक 3:30 बजे उठते हैं, नींद में ही वो कपाल भाती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो शोभा आंटी मुझे कह रही थी पता नहीं क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन वो करना भूलते नहीं है कभी, एक दिन भी छोड़ते नहीं है। इट्स अमेजिंग। मैं चाहूंगा शायद वो उनको भी आज शाम को या कल बुलाऊंगा। जितेंद्र भाई तो हमारे हैं, जितेंद्र जी बहुत जबरदस्त। हेमा जी हैं, रोज सूर्य नमस्कार करती हैं, रोज कपाल भाती हैं, अनुलोम विलोम करती हैं। उनको घुटनों में थोड़ा दर्द होने लग गया था, तो मेरे से बोली बाबा जी क्या करूं। मैंने कहा नहीं, आपको बुढ़ा नहीं होने देंगे, जो योग करेगा वो बुढ़ा नहीं होगा। और शिल्पा जी दीदी भी ऐसे ही 100 साल तक ऐसे ही रहेंगी, ये भी बुढ़ी नहीं होंगी। ये तो आशीर्वाद मिल गया ना, आप बुढ़ी होंगी ही नहीं। तो ये करिए तो अच्छा आशीर्वाद है। और सुन लो ये बहनों, जो तुम भी योग करोगी तो कोई बुढ़ी, हाँ बुढ़िया भी गुड़िया जैसी हो जाएगी। और कुछ कहते हैं ओ ये तो बहुत जबरदस्त है। तो सुनो, लेकिन आपको ना ये जैसे आप क्या करते हैं होड़ करने के चक्कर में ना, कि बस बाबा जी वो तो सब हो गया, ये नोली क्रिया नहीं हुई। अब नोली क्रिया इसमें तो थोड़ा सा आप ये सिर्फ आप ही कर सकते। ये शायद शिल्पा जी भी नहीं करते। ये मैं करती थी। करती थी? हाँ। तो आप तो नोली अभी सिर्फ मैं हाथ के साथ। अब पूरे पेट को ना ये अग्निसार करना तो देखो इजी है, लेकिन जब ऐसे गोल घुमाते हैं ना, ये वाला थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज शाम को सब बच्चों को लेकर के आएंगे, कल सुबह पूरी परिवार के साथ आएंगे। और मुझे लगता है ये योग को प्रमोट करना चाहिए सबको, जैसे शिल्पा बहन कर रही हैं, ऐसे मुझे लगता है सब बहनों को ना एक काम करना चाहिए, सुबह योग करें, सबको कराएं, प्रेरित करें। और मुझे लगता है कुछ बहनें ना सोचती तो थी कि हमें करना चाहिए, लेकिन आज शिल्पा दीदी को देख के, शिल्पा बहन को देख के, जो बहन बेटियां माताएं कम करती थी, मुझे लगता है वो आज से और ज्यादा योग करेंगे। एक बार सबकी ओर से बहन शिल्पा को एक बार
इतनी जोर से ताली बजाइए ना कि और भी लाखों करोड़ों बहनें योग करने लग जाए। तो बहुत बहुत अभिनंदन शिल्पा बहन का, और हमारी बहनें ये जो है लाखों बहनें बहन जो कार्यकर्ता के रूप में, चलो आपका सम्मान करने आ गए हमारी सब बहनें, एक बार जोरदार तालियां हमारी इन बहनों के लिए भी। ये हमारी बहनें चाहे मेधा है, रश्मि है, कश्मीरा है, वृशाली है, सुनीता है, मीना है, ये क्या नाम है, जयश्री है, ये जो है अपनी लता दीदी को योग कराने जाती हैं, लता मंगेशकर जी को, वो भी बहुत अच्छे से करती हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, एक बार जोरदार तालियां। और सब बहनों के लिए, ये बहनें वो हैं जो रोज योग करती भी हैं और सबको कराती भी हैं। कुछ पहले थोड़ी मोटी थी, अब पतली हो गई है और पतली हो जाएंगी। क्या होता है कई बार ना बहनों को किसी ऑपरेशन से, किसी दवा से, किसी को जेनेटिकली कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसको समय तो लगता है,